अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबका जॉब अपडेट डॉट पी के पे वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब 2021 के बारे डिस्कस करेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अप्लाई कैसे करना है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने गूगल या क्रोम जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर आपने जॉब अपडेट डॉट पी के टाइप करना है। जैसे ही आप जॉब अपडेट डॉट पी के सर्च करेंगे आपके सामने हमारा मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ कुछ लिंक्स दिए गए हैं, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आप में से कोई हमारे इन ग्रुप्स में शामिल होना चाहता है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके शामिल हो सकता है। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है। अगर कोई लड़की हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहती है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर रब्ता करके शामिल हो सकती है। इन ग्रुप्स का फ़ायदा यह है, यहाँ आने वाली हर न्यू जॉब वैकेंसीज़ के अबाउट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स हैं, आप किसी भी जॉब के बारे में विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो FPSC इस्लामाबाद जॉब 2021 के बारे में, इसके ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने ये कम्प्लीटली रीड आउट कर लेना है। इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसका सोर्स FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन पोस्ट के बारे में बताया गया था। हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद है। आपकी एजुकेशन PhD, मास्टर, बैचलर होनी चाहिए। जॉब लोकेशन आल पाकिस्तान है। लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2021 है। जॉब टाइप गवर्नमेंट परमानेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, तो ऑल ओवर पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट से रिलेटेड मेंशन की गई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कैंडिडेट का मस्ट होना चाहिए। इस जॉब के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, CNIC कॉपी, डोमिसाइल, फॉर रिसेंट फोटोग्राफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फी डिपॉजिट स्लिप्स। यहाँ पोस्ट के बाद बताया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 1 सीट, क्वालिफिकेशन बैचलर। असिस्टेंट साइंटिफिक एडवाइजर के लिए 5 सीट, क्वालिफिकेशन बैचलर। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए 4 सीट, क्वालिफिकेशन मास्टर। इंस्ट्रक्टर के लिए 5 सीट, क्वालिफिकेशन मास्टर। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए 2 सीट, क्वालिफिकेशन BS इंजीनियरिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 3 सीट, क्वालिफिकेशन मास्टर। असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए 2 सीट, क्वालिफिकेशन BS इंजीनियर। सीड एनालिस्ट के लिए 1 सीट, क्वालिफिकेशन मास्टर। डेंटिस्ट के लिए 2 सीट, क्वालिफिकेशन MBBS। इस जॉब के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, FPSC का ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक यहाँ पे मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने वो कम्प्लीटली फिलअप करना है, उसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अटैच करनी है। उसके अलावा आपने FPSC के फेवर में एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करवानी है, जो कि आप किसी भी करीबी बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं। फ़ी का शेड्यूल ये है कि BPSC 16 एंड 17 के लिए फ़ी जो है वो 300 है, BPSC 18 के लिए 750 रुपीज़ है, BPSC 19 के लिए 1200 रुपीज़ है, BPSC 20 के लिए 1500 रुपीज़ है। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, नेट का इशू है या समथिंग, उनके लिए ऑप्शन है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, उसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और दिए गए एड्रेस पर पोस्ट करवा दें। आपने अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट दर्ज करनी है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज आएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो अपने रियल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन में मौजूद FB Insta पर लाजमी फॉलो करें ताकि आपको न्यू जॉब वैकेंसीज के अबाउट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।